गुड इवनिंग एवरी वन आज करते हैं सिफनिंग माउथ पार्ट्स सिफन का मतलब होता है ट्यूब इंसेक्ट्स में एक ऑर्डर होता है ऑर्डर लैपिडॉप्टरा और लैपिडॉप्टरा में जो uh, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं दैट इंक्लूड्स हनी सॉरी बटरफ्लाई एंड बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स राइट दीज ऑर्गेनिजम्स दे फीड ऑन नेक्टर ऑफ द फ्लावर और नेक्टर जो है कहाँ पाया जाता है फ्लावर की बेस पर जैसे में तुम्हें दिखाती हूँ ये देखो कनयी ये जो है अब आप देखो कि ये बेस पर जो है नेक्टरी है नेक्ट्री है ग्लैंड है जो कि नेक्टर सिक्रिएट करती है अब बेस तक पहुंचने के लिए उनको अपने दे हैव टू हैव अफन अ ट्यूब सो दैट दे कैन सक दपोज दिस इज हेड दे कैन सक द नेक्ट ठीक है अब ये जो माउथ पार्ट्स है हाउ दे हैव बीन मॉडिफाइड तुम्हें पता है कि जो बेसिक माउथ पार्ट्स हैं इफ यू सी दे आर लाइक दिस लेब्रम है लेब्रम इफ यू सी दिस इज लेब्रम लेब्रम हैज़ नो रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सिफन मैंडिबल हैज़ नो रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सिफन हाइपोफेरिंग्स नो रोल लेबियम इज़ हाईली रिड्यूस्ड अब ये जो पार्ट है इफ़ यू सी दिस इज नोन एज गेलिया जी ए एल ई ए एंड दिस इज़ नोन एज लेसिनिया तो जो मैग्जिला का जो गेलिया पार्ट है इस ये वाला और इस वाले मैग्जिला का ये वाला पार्ट यानी कि गेलिया पार्ट जो है इट हैज़ बीन मॉडिफाइड टू फॉर्म अ ट्यूब और सिफन रेस्ट ऑल अदर पार्ट आर रिड्यूस्ड क्या होता है कि अगर हम ये जो सिफन होती है जो हनी बर्टरफ्लाईज में इस तरह इफ़ वी टेक सेक्शन वी फाइंड इस तरह से दो जो है गेलिया जो है इस तरह से फ्यूज है टू फॉर्म अ सिफन लाइक like दिस इस सिफन को प्रोबोसिस भी बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ पिक्चर दिखाती हूँ सी कैन यू सी ये देखो बटरफ्लाई है बटरफ्लाई के आप हेड के नीचे इस तरह से कॉल दिख रही है जब ये सिफन जो है वैन इट इज़ नॉट इन यू वो इस तरह कॉयल बैक हो जाती ये देखो राइट इधर से इसी तरह ये देखो ये मौत ऐसा होता है ना ठीक है और इधर आप ये देखो मौत ये सिफन जो है इस तरह से कॉइल्ड होती है वैन इट इज़ नॉट इन यूज जब जब वैन इट इज़ इन यूज़ क्या करता है ये प्रोट य इस तरह से इलॉन्गेट कर लेगा फ्लावर की बेस तक इसे ओपन कर लेगा और वहाँ से ये नेक्टर सक कर लेता है बाय द फेरेंजियल एक्शन फेरिंग्स जो फेरेंजियल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं जिससे कि जो है नेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर सक हो जाता है अब आप देखो इफ आई फाई शो यू ये हेड है बटरफ्लाई का हेयर विल फाइंड ये देखो ये क्या है कंपाउंड आइज है ठीक है ये है एंटीना ठीक है यहाँ पर आप देखो कि जो लेब्रम है वो भी एक इस तरह से इफ यू सी रिड्यूस स्ट्रक्चर बनाता है ऑन द टॉप इसी तरह लेबियम भी वेंट्रल साइड ये देखो एकदम रिड्यूस स्ट्रक्चर बनाता है मैग्जिला की पैल्प देखो दे आर रिड्यूज टू थ्री सेगमेंट्स ओनली राइट तो सो इट इज द गेलिया पार्ट ऑफ द मैग्जिला व्हिच फॉर्म दिस कॉयल स्ट्रक्चर व्हिच वी कॉल एज प्रोबोसिस और यू कैन से सिफन राइट बाय विद द हेल्प ऑफ व्हिच इट इज एबल टू टेक अप द फूड ये देखो ये देखो इसके पार्ट है ये हेड ये कंपाउंड ये लेब्रम आप देखो किस तरह से रिड्यूज हैं मैगुलरी पैल्प देखो लेबियल पैल्प रिड्यूज ऑनली प्रोबोसिज वेल डेवलप्ड विच इज नथिंग बट पार्ट ऑफ गेलिया राइट आई थिंक इसके साथ आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो फीडिंग हैबिट्स हैं वो अभी तक हमने जितने टाइप के माउथ पार्ट्स किए हैं जो फीडिंग हैबिट्स है वो क्या डिटरमाइन करती है टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स या मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माउथ राइट आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टूडे